सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के पूरे दिन की जो मेन न्यूज़ रही है क्रिकेट से रिलेटेड वो मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। पहली न्यूज़ है विराट कोहली के बारे में। इंजमाम उल्लक ने कहा है कि भाई अगर वो अपना एग्रेशन को छोड़ दें तो उनका क्रिकेट बहुत ज़्यादा बदल सकता है, उनकी बैटिंग में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ सकते हैं, उनकी बैटिंग बहुत ज़्यादा बेटर हो सकती है। इंजमाम उल्लक का ये कहना है। भाई आपका क्या कहना है मुझे फटाफट कॉमेंट में बताओ। मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे लगता है भाई एग्रेशन उनकी ताकत है विराट कोहली। हालांकि उन्होंने एग्रेशन अपना कम भी करा है, पहले वो बहुत ज़्यादा भिड़ जाते थे किसी से भी, लेकिन अब भाई बच्चों रहो मत यार, तो अब उनका एग्रेशन जो है कम हुआ है। लेकिन थोड़ा बहुत एग्रेशन मुझे लगता है क्रिकेट के फील्ड पर होना ज़रूरी होता है, राइट। बाकी आप बताओ आपका क्या सोचना है। अगली जो न्यूज़ है वो निकल के आ रही है न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की तरफ से। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश का एक टूर होने वाला है, न्यूजीलैंड बेसिकली बांग्लादेश टूर करने वाली है। तो लेकिन जो टीम वो लेकर जा रही है न्यूजीलैंड, क्योंकि आप सबको पता है कि अभी आईपीएल शुरू होने वाला है और आईपीएल में न्यूजीलैंड और सारी टीमें अपने मेन प्लेयर्स को भेज रही हैं, उसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि यूएई में बचा हुआ आईपीएल होने वाला है और यूएई में ही जो है वर्ल्ड कप भी होगा 2 महीने बाद। तो टीम्स को एक तरह से बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिल जाएगा वहाँ की कंडीशंस में खेल के उसको समझने का, इसलिए न्यूजीलैंड ने भी अपनी जो मेन टीम है उसको आईपीएल में ही भेजा है। इसलिए उनकी जो बी सी ग्रेड की जो टीम है वो न्यूजीलैंड की टीम बांग्लादेश टूर करने जा रही है। इसी बात पे जो बांग्लादेश के कोच हैं रसल डोमिंगो, उन्होंने कहा है कि भाई ये जो टीम है बहुत ही मतलब कुछ खास टीम नहीं है, और क्योंकि भाई उन्होंने अभी अभी ऑस्ट्रेलिया को भी हराया है तो वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट है। मुझे उनके कमेंट से लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि भाई न्यूजीलैंड जो टीम भेज रही है ना वो हमारी बांग्लादेश की टीम पेल देगी बड़ी आराम से। तो भाई आप बताओ आपका क्या सोचना है। अगली न्यूज़ निकल के आ रही है भाई वीवीएस लक्ष्मण के बारे में। वीवीएस लक्ष्मण ने कहा है विराट कोहली के बारे में कि भाई इनकी जो बैटिंग है उसमें जो कमी आ रही है, किस वजह से वो ज़्यादा आउट हो रहे हैं, उसका रीज़न है उनका पिच पे बहुत ज़्यादा शफल करना विराट कोहली का। उनको लगता है, लक्ष्मण को ये लगता है कि भाई अगर वो शफलिंग वगैरह करनी बंद कर दें तो विराट कोहली ज़्यादा सस्टेनेबल पारियाँ खेल पाएंगे, ज़्यादा लंबी पारियाँ खेल पाएंगे। और अगली न्यूज़ है भाई माइकल होल्डिंग से रिलेटेड। माइकल होल्डिंग का कहना है, क्योंकि भाई अभी जैसे मैच चल रहा है इंग्लैंड और इंडिया का जो सीरीज़ चल रही है टेस्ट सीरीज, उसमें ऑडियंस में एक बंदे की फ़ोटो आई जिसमें एक बच्चा होल्डिंग लेके बैठा हुआ था जिसमें बूम बूम बूमरा से रिलेटेड लिखा हुआ था, बूम बूम बूमरा। तो भाई माइकल होल्डिंग ने स्टेटमेंट दिया कि भाई ये जो बूम बूम नाम का जो टैग है ना ये तो सिर्फ अफरीदी के साथ ही जाता है और किसी के साथ ये सूटेबल नहीं बैठता है, मतलब बूम बूम अफरीदी ही है, बूम बूम बूमरा नाम की कोई चीज़ नहीं है, ठीक है भाई। और भाई एरन फिंच को जो इंजरी हुई थी नी की, जो इंजरी हुई थी जिसकी वजह से वो बाहर थे अभी जो बांग्लादेश का टूर था उसमें भी वो बाहर रहे थे, तो एक गुड न्यूज़ निकल के ये आ रही है एरन फिंच के फैंस के लिए और पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए कि भाई उनकी जो सर्जरी है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अभी भी डॉक्टर ने उनको 2 महीने का रेस्ट बताया है, तो उनको अभी भी 2 महीने का रेस्ट करना होगा। 2 महीने अभी भी वो क्रिकेट फील्ड पे नहीं जा सकते हैं और 2 महीने बाद ही शुरू होने वाला है वर्ल्ड कप और ऑस्ट्रेलिया के सारे मेन प्लेयर्स वर्ल्ड कप में खेलेंगे, जो कि अभी तो आईपीएल में खेलेंगे क्योंकि ऑफकोर्स वो अपनी कंडीशन का जायजा लेंगे। यही रीज़न था कि वो बांग्लादेश वाले टूर में नहीं खेले, राइट। तो कोशिश और उम्मीदें यही रहेंगी ऑस्ट्रेलियाई फैंस की और ऑस्ट्रेलियन टीम की कि वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले पहले जो एरन फिंच है उनको रिवाइव कर सकें ताकि वर्ल्ड कप में वो खेल सके, क्योंकि एरन फिंच बहुत ही ज़्यादा बड़े प्लेयर हैं तो उसमें तो कोई डाउट की बात ही नहीं है। और भाई अगली न्यूज़ है केएल राहुल से रिलेटेड। केएल राहुल जैसे कि सब लोग जानते हैं उन्होंने 129 रन की एक बहुत ही ज़बरदस्त इनिंग खेली है अभी इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में। तो जब वो आउट होकर आ रहे थे दिन का, ये बेसिकली आउट होने के बाद की बात नहीं है, ये दिन के ख़त्म होने की बात है, जब पिछले दिन ये जो लास्ट दिन गए तो जब वो वो रहाने जब नॉट आउट थे वो जब अपने ड्रेसिंग रूम में लौट कर आए तो वो जो वीडियो थी वो वायरल हुई, जिस तरीके से उनको अप्रिसिएशन मिली और उनका नाम भी बोर्ड पे दर्ज किया गया है जो लॉर्ड्स का जो बोर्ड है जहाँ पे सारे सेंचुरियन जिन भी बैट्समैन ने सेंचुरी बनाई है उसमें केएल राहुल का भी नाम ऐड किया गया है, तो उस पर वायरल वीडियो वो आप चाहो तो देख लेना भाई। अगली न्यूज़ है ईशान किशन से रिलेटेड। ईशान किशन कह रहे हैं कि भाई मैं महेंद्र सिंह धोनी का बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ैन हूँ, हालांकि उनके तो सभी फ़ैन हैं, लेकिन उनका कहना है कि भाई मैं धोनी की एक चीज़ का फ़ैन हूँ और वो है उनकी फ्लेक्सिबिलिटी। उनको जिस भी नंबर पर खेलने को कहा गया और जब भी जैसी कंडीशन रही, जैसी सिचुएशन रही, महेंद्र सिंह धोनी ने उस सिचुएशन पे उस पर्टिकुलर नंबर पे जाके बैटिंग करी है और इंडिया के लिए बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है। तो मैं उनकी इस चीज़ की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ और मुझे बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ उनकी पसंद है, मैं उस चीज़ से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ और मैं भी कोशिश करूँगा
कि मैं भी फ्यूचर में इंडिया के लिए इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल रह सकूं और जब भी जैसी भी डिमांड हो मैं टीम के लिए कंट्रीब्यूट कर सकूं। और भाई अगली न्यूज निकल के आ रही है हर्षल गिब्स, ये लास्ट न्यूज है आज की फिलहाल की। हर्षल गिब्स का कहना है कि भाई अब जो वर्ल्ड कप होने वाला है T20 वर्ल्ड कप, उसमें उनके हिसाब से 3 टीम्स है जिनका दबदबा सबसे ज्यादा रहेगा और इन तीनों में से ही कोई टीम वर्ल्ड कप इस बार जीत जाएगी, और वो है इंग्लैंड, पाकिस्तान और इंडिया। उन्होंने खुद की टीम को भी नहीं चूज करा, आप समझ सकते हैं कि वो कितने ही ज्यादा पता नहीं क्या हो रहे हैं, लेकिन इंग्लैंड, पाकिस्तान और इंडिया, उनका मानना है कि इन्हीं तीनों टीमों में से कोई एक टीम इस बार का T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली है। तो ये थी अभी तक की न्यूज़, आज की जो मेन हाइलाइट्स थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, और अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर देना, शेयर जरूर करना, मुझे कमेंट बताओ इन न्यूज़ से रिलेटेड आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, क्या हर्षल गिब्स ने जो कहा है इंडिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, भाई देखो मैं तो इंडियन हूँ तो मैं तो ऑफकोर्स चाहूँगा कि इंडिया ही जीते, लेकिन जो उन्होंने बाकी दो टीम इंग्लैंड और पाकिस्तान सेलेक्ट करी हैं उनका ऐसा मानना है, उनकी ऐसी प्रेडिक्शन है, तो क्या इन तीनों में से कोई वर्ल्ड कप जीत सकता है, आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से कौन सी टीम जीत सकती है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मुझे अगर किसी का कमेंट अच्छा लगा तो मैं पिंग जरूर करूंगा, और बाकी न्यूज के बारे में बताओ आपका क्या सोचना है, क्या आपका विचार है। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय।